Hello, students. I welcome all of you in Kenneth Educate. Today, we are learning about perimeter and area. This chapter from your seventh mathematics, and today is our lecture number one. So, first of all, we see what we learn in this whole chapter. सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द पेरीमीटर वॉट इज मीन बाय पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है उसमें हम रेक्टेंगल और स्क्वेयर का पेरीमीटर काउंट करेंगे आफ्टर दैट हमें लर्न करना है वॉट इज मीन बाय एरिया एरिया क्या होता है सम जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उसके हम एरिया देखेंगे क्या कैसे काउंट किया जाता है आफ्टर दैट हमें लर्न करना है एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल राइट right एंगल का एरिया कैसे काउंट किया जाता है एंड लास्ट हम लर्न करेंगे अबाउट द सरफेस एरिया ओके तो ये सभी बातें हमें लर्न करनी है इस पूरे चैप्टर में तो स्टूडेंट्स आइए आज इस फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट पेरीमीटर से ओके okay? अभी ये पेरीमीटर होता क्या है देखिए द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ अ क्लोज फिगर इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट क्लोज फिगर वर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इज द ऑफ दैट फिगर अभी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया ठीक है ये क्या है या पर समथिंग ये क्लोज फिगर हम मान लीजिए ठीक है ये क्या है क्लोज फिगर है ओके okay? यहाँ पर मान के चलते जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया ये सभी क्या है स्ट्रेट लाइन ऐसे मान के चलते हैं ठीक है आ, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए ये समथिंग ऐसे डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं okay? ओके ये सभी क्या है स्ट्रेट लाइन अभी उन्होंने क्या कहा है ये क्लोज फिगर है क्या यस दिस इज अ क्लोज फिगर बिकॉज

ये क्या हो जाएगी ये टोटल पेरीफेरी यहां पर हो जाएगी इस डायग्राम की तो उसी को तो हम नाम देते हैं पेरीमीटर ओके okay, तो आई बात समझ में सो पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो चैप्टर था वहां पर हमने सर्कल की पेरिफेरी काउंट की थी वो उसे उसका नंबर जो वर्ड था वो क्या था यस yes, उसे हम क्या कहते हैं सर्कम कहते हैं सर्कम का फॉर्मूला क्या होता है सी इज इक्वल टू टू पाई आर या तो पाई डी उसी तरह अगर यहां पर हम पॉलीगॉन में काउंट करते हैं वो जो पेरीफेरी उसकी जो टोटल लेंथ है तो उसका नेम होता है पेरीमीटर ओके okay? सर्कल में होता है एंड में होता है पेरीमीटर सो ऑफ पॉलीगॉन पॉलीगॉन मतलब यहाँ पर कोई भी देखिए स्टार्टिंग ट्राइंगल से ही होता है पॉलिकॉन देन ट्राइंगल है देन कॉटेलैट्रल है आफ्टर दैट पेंटागॉन हैगॉन है ऑक्टेगॉन है ओके ऐसे okay? लंबी ही लिस्ट चली जाती है ओके okay? तो पॉलिकॉन मतलब द Uh, जो क्लोज फिगर है उसके यहाँ पर थ्री से ज्यादा ओके okay? तो आइए कुछ यहाँ पर हम पेरीमीटर देखते हैं स्क्वेयर का सबसे पहले तो स्क्वेयर क्या होता है स्क्वेर को फोर साइड्स होती है तो यहाँ पर देखिए स्क्वेर मैंने ड्रॉ कर दिया व्हाट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्र तो स्क्वेयर के सभी जो यहाँ पर एंगल्स होते होते हैं 90 डिग्री होते हैं मतलब सभी क्या होते, होते हैं okay, पता है तो so, इसकी पेरीमीटर क्या हो जाए मैंने किया मेरी जर्नी घूम घूम के घूम घूम के फिर से मैं ओरिजिन पॉइंट पे आ गया तो जो मेरी पेरी फेरी से जो मेरी जर्नी थी टोटल ये क्या हो जाती है मेरी पेरीमीटर हो जाती है सो दैट्स वाई वी राइट डाउन एज पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ओके ऑलरेडी हमने जेबरिक एक्सप्रेशन देखा था तो ए ए क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर ए हो जाएगा तो ए क्या है यहाँ पर साइड है सो देर फॉर फोर मल्टीप्लाई बाय साइड ए से फॉर्मूला बनता है देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया अगर so हम मान के चलते यहाँ पर 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 है, a unit something, यहाँ पर centimeter में हो सकता है मीटर में हो सकता है कोई भी यूनिट पे हो सकता है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर a बाय पर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ओके तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने अभी लर्न किया

एंड वट आर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टांगल्स और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हो जाती है सभी एंगल्स यहाँ पर नाइन्टी डिग्री होते हैं एंड डायगोनल आल्सो कॉन्गोरेंट तो डायगोनल की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है जस्ट ओनली वी नीड टू बी लेंथ ओके स यहाँ पर जो साइड्स है उसकी लेंथ की हमें यहाँ पर जरूरत है सो दैट्स वाई यहां पर क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट सो आई नीड टू बी कैलकुलेट ऑल द लेंथ सो बी प्लस देखिए पर ये फर्स्ट आ गया देन आफ्टर दैट सो वी कैन कैलकुलेट दैट टू ए प्लस टू बी ओके सो ए क्या है ऑलरेडी यहाँ पर यहाँ पर है यहाँ पर ब्रिथ है एंड बी क्या है यहाँ पर हमने यहाँ पर लेंथ लिया है सो देयरफॉर वी कैन राइट एज

हमने क्या किया हाँ हाँ so यहाँ पर लेंथ एल माना और ब्रिथ यहाँ पर बी माना सो फॉर पेरीमीटर यहाँ पर कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ऑफ ऑफ प्लस टी अभी मैं क्या करूं टू को कॉमन कर निकालता हूं तो टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी यहाँ पर बन जाएगा तो ये भी आपका फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इट इज ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट एल प्लस बी या तो आप यहाँ पर टू एल प्लस टू बी भी याद रख सकते हो स्टूडेंट्स ये दोनों भी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं या आपको आने वाले स्टैंडर्ड में भी यूज होने वाले हैं ओके इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो स्कॉलरशिप या तो एम टी एस वाले जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आफ्टर द ग्रेजुएशन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों तो पेरीमीटर क्या होते हैं आपको सिंपल सिंपल नहीं आ जाएगा वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट बेसिक नॉलेज आपको वही रहेगा सो दैट्स वाई आप यहाँ पर ही आपका जो बेस है अच्छी तरह से पक्का करिए ठीक करिए तो आपको आने वाले जो एक है पर इजी हो जाएगा ठीक सो पेरीमीटर आपको समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर ऑफ यहाँ पर डेफिनेशन क्या है वो समझ में आ गई देन आफ्टर दैट व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सो सो वी सॉल्व सम एग्जाम्पल्स हो रही सो फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टल इज सिक्स करनी है ऑलरेडी हमने रेक्टांगल देखा उसकी पेरीमीटर क्या होती है वो भी हमने यहाँ पर देखा सो फर्स्ट डाउन द गि डेटा बिकॉज दिस इज द वर्ड निकल स्टूडेंट फर्स्ट टेप इट इज यू शुड राइट डाउन द ऑल द गि डेटा फर्स्ट गिवन इज इक्वल टू They have given us the perimeter of rectangle. So we write down P is equal to 64 centimeter and L is equal to 17 centimeter. You can write as perimeter is equal to 64 centimeter and you can write as a perimeter. Now see here perimeter in bracket P is equal to 64 centimeter because. तो ये आपने ये वेरिएबल यूज, यूज किया है तो उस वेरिएबल का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज़ एग्जामिनर को पता नहीं होता आपने कौन सा वेरिएबल यूज किया है कई बच्चे यहाँ पर p के जगह पर अनदर वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं इसलिए आपको यहाँ क्या करना है पूरा नाम लिखिए सो तो पेरिमीटर तो यहां पर आ जाएगा पेरिमीटर इन ब्रैकेट p 64 सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट लेंथ इज इक्वल टू इन ब्रैकेट l

फोर तो आ गया 1 इस, 2 वन कैर टू वन वन एंड थ्री यहां पर हो जाएगा ओके सो थर्टी फोर या तो सेवेंटी थर्टी फोर ऐसे भी आप कर सकते हो प्लस टू भी यहाँ पर होगा अभी दोनों भी देखिए पर हमें क्या चाहिए बी के वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हमें ओनली बी को रखना है तो इस थर्टी फोर की कोई जरूरत नहीं है सो वॉट वी डू वी सब ट्रैक थर्टी फोर फ्रॉम द बोथ साइड ओके या तो आपको रूल पता ही होगा फिर से मैं आपको रिकॉल करके दे रहा हूँ ये सभी रूल इक्वेशन के रूल्स क्या होते हैं ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स ये सभी आपको आने वाले चैप्टर में भी यूज होने वाले हैं अगर आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज करते हो देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे थर्टी फोर यहाँ पर हम क्या करते थे दोनों साइड की तरफ भी थर्टी फोर माइनस करते थे बट आपको यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर यहाँ पर आपको कोई भी प्लस वाला साइन है इसे आपको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है तो ये क्या होता है इसका साइन चेंज होता है इनवर्स होता है सो इट विल कन्वर्ट इन टू माइनस यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा वाइस वर्षा यहाँ से माइनस को यहाँ पर प्लस हो जाएगा यहाँ से प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा

देखिए 64 फोर माइनस थर्टी हो जाएगा जीरो एंड सिक्स माइनस थ्री यहाँ पर थर्टी आ गया इज इक्वल टू एंड अभी हमें बी की वैल्यू चाहिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का है सो दैट्स वाई टू यहाँ पर मल्टीप्लाई है इस ये जो अनदर साइड है यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा सो दैट्स वाई थर्टी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू बी थर्टी तो बी की वैल्यू हमें मिल गई फिफ्टीन सेंटीमीटर सो फाइनली वी कैन राइट एज दिवन रेक्टेंगल ब्रिथ ऑफ ए गिवन रेक्टैंगल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर कितनी आ गई यहाँ पर फिफ्टीन सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिल गई देखिए अभी हमने यूज़ यहाँ पर बी यूज किया आप पर कोई भी भी वेरिएबल यूज कर सकते थे यहाँ पर एक्स भी आप यहाँ पर यूज करते हो उसमें कोई नहीं, okay? so, आपको समझ में आ चुका होगा आइए देखते पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अवेंटी एट सेंटीमीटर एंड ब्रिथ ट्वेंटी सेंटीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वॉट इज लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर so first they have given us perimeter of a rectangle of length 28 centimeter breadth 20 centimeter is equal to the perimeter of square so what they have given us first so we write down length of rectangle okay so length of rectangle we assume that it's l is equal to 28 centimeter and breadth of rectangle okay so breadth of rectangle

तो so, हम मान के चलते साइड्स ऑफ स्क्वायर इट्स ओके सो लेट यहां पर लिखेंगे लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज यहां पर ए सेंटीमीटर ओके ए सेंटीमीटर हमने यहां पर इसे एज्यूम किया सो दैट्स वाई फ्रॉम गिवन कंडीशन फ्रॉम गिवन कंडीशन What they have given us first students, they have given us perimeter of rectangle is equal to perimeter of square. So we write down perimeter of rectangle is equal to perimeter of square. Okay, so therefore perimeter of rectangle means what is the formula perimeter of rectangle? फॉर्मूले लर्न किए थे सो so, हमें यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है देखिए टू of ऑफ एल मतलब टू मल्टीप्लाई बाय एल क्या दिया है ट्वेंटी एट दिया है प्लस टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर एकेट टू झा या तो एट टू झा सिक्सटीन कैरी फॉरवर्ड टू टू फोर एंड वन फाइव हो जाएगा सिक्स फोर्टी इज इक्वल टू फोर ए यहाँ पर आ जाता है सो देर फोर फिफ्टी सिक्स प्लस फोर्टी सिक्स एंड फाइव प्लस फोर नाइन नाइनटी सिक्स इज इक्वल टू फोर ए देखिए फोर यहाँ पर ए के साथ रिलेशन क्या है इनका मल्टीप्लीकेशन का है सो दैट वाई इफ विट ट्रांसफॉर्म दिस फोर फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड इट कन्वर्टेड इन टू सो फोर 96 divided by 4 is equal to a and we get the value of a is equal to 4 to the 8 and 4 for are 16 24 centimeter so therefore we write down the final answer what is the final answer the sides of square so sides of or we can say like that length of the side of that square okay so we write down final, final answer uh, therefore side of side of given square is 24 सेंटीमीटर यहाँ पर कितनी हो गई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई आई थिंक ये आपको ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर कैसे कैसे हमने सॉल्व किया तो हमने फर्स्ट क्या किया यहाँ पर रेक्टेंगल था ठीक है यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ हमने एज्यूम किया कि ये l मतलब यहाँ पर लेंथ है b मतलब ब्रेथ है आपको यहाँ पर मैंशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स ताकि जो आपका पेपर चेक करने वाला होगा या तो आपके बाद जो भी आपके जो आंसर देखे उनके पता चले आपने इस वेरिएबल को क्या माना है ये लेंथ ऑफ़ है या तो लेंथ ऑफ पर, पर लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम द गिवन कंडीशन जो गिवन कंडीशन दी थी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर बिकॉज द वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगल एंड वैल्यू ऑफ द ओके ऑलरेडी उन्होंने गिवन में दिया है So we have mentioned that from given condition. Then हमने ये statement लिखा. ये लिखा अगर में नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर लिखते नहीं ओके okay? तो ये गिवन कंडीशन है Then after that हमने value put किया और हमें यहाँ पर आंसर फाइंड आउट किया सो so यहाँ पर क्या गया साइड ऑफ स्क्र इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर वी टर्न अराउंड नेक्स्ट टॉपिक देखिए उससे पहले एरिया क्या होता है आइए समझ लेते हैं ऑलरेडी आपको एरिया क्या है

सरफेस सर्फेस किया है ये हम इसे क्या कहते हैं ये जो स्पेस किया है उसे ही हम यहाँ पर एरिया कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं और इसे हम मान के चलते एक वन बाय वन ऐसे स्क्वायर का यहाँ पर क्या है ब्लॉक से ओके okay? तो इसे हम एज्यूम करते हैं सो दैट्स वाई यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर हम यहाँ पर स्क्वायर में ही एज्यूम करते हैं ये क्या स्क्र यहाँ पर हम मान के चलिए स्क्वायर है तो ये नंबर ऑफ स्क्स यहाँ पर आ जाएगा सो देयरफॉर वी राइट डाउन unit in it is in the centimeter square or meter square what are the unit of that square okay length of that square so area of square what is the formula area of square it is side multiply by side means side square okay and area of rectangle what is length multiply by breadth or we can write as l multiplied by b so what are the area of rectangle and पर स्क्वायर सो एरिया ऑफ स्क्वायर इट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड साइड स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय दैट मींस यहाँ पर एल मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा करेक्ट आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होगी अच्छी तरह से देखिए स्टूडेंट्स एरिया इज मेजर इन स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर किलोमीटर एक्सेट्रा यहाँ पर जो भी यूनिट आपको दिया होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको यहाँ पर लिखना है अगर आपको साइड्स अगर यहाँ पर मिलीमीटर mm में दिया है तो आप यहाँ पर यूनिट क्या लिखेंगे एरिया का मिलीमीटर mm स्क्वायर ही लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है यहाँ पर ओके okay? अगर आपको साइड्स यहाँ पर मीटर में गिवन है तो आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे अगर आपको इंच में दिया है तो इंच स्क्वायर लिखेंगे अगर आपको फीट में दिया है तो आप यहाँ पर फीट स्क्वायर लिखेंगे अगर आपको यहाँ पर किलोमीटर में दिया है तो आप किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे ओके आई बात तो समझ में तो ये ये सभी क्या यूनिट है ऑफ द लेंथ के तो जो भी यूनिट आपको दिया है तो उस यूनिट का आपको स्क्वायर लिखना है आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर नाम से आप स्क्वेयर किलोमीटर्स स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर मीटर्स ऐसे भी आप यहां पर लिख सकते हैं ओके आई बात समझे ये क्या हो जाएंगे इनके यूनिट यहाँ पर हो जाएंगे ओके आप यहाँ पर शॉर्ट में इसके एस क्यू एम एस क्यू स्कु सेंटीमीटर एस क्यू इंच ऐसे भी आप लिख सकते हैं स्क्वायर स्क्वायर मीटर इंच या तो आप डायरेक्टली उसके इन यहाँ पर जो हेड है उसके ऊपर टू भी लिख सकते हो जैसे हमने यहाँ पर इसे लिखा है ओके तो ये भी क्या होता है स्क्वायर है स्क्वायर की कंसेप्ट आप आने वाले स्टैंडर्ड में लर्न करने वाले हो अच्छी तरह से ओके इंडेक्स क्या होता है इंडेक्स का मतलब क्या होता है ये आने वाले स्टैंडर्ड में आप देखेंगे ही ओके फिर भी आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर हम ये कैसे लिखते हैं ओके आई बात समझ में तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन तो यहाँ पर एक एरिया का एग्जाम्पल है आइए उसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल है अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 40 मीटर लॉन्ग ये क्या है 40 मीटर लॉन्ग है देन आफ्टर दैट 30 मीटर वाइड भी है और 2 मीटर वाइड पाथ इज टू बी पेव इनसाइड द गार्डन अलॉन्ग इट्स बाउंड्री यूजिंग टाइल्स ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर इन साइज हाउ मेनी सच टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड हमें रिक्वा पर कितने टाइल्स पर लगेंगे हमें बताना है देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ठीक है देखिए यहां पर रेक्टेंगुलर गार्डन आपको दिखाई दे रहा है यस yes. यहाँ पर दिख रहा है रेक्टेंगुलर गार्डन ये है फोर्टी मीटर लॉन्ग क्या है ये पूरा टोटल फोर्टी मीटर लॉन्ग है ओके देन आफ्टर दैट एंड थर्टी मीटर वाइड भी है ठीक है ये थर्टी मीटर वाइड है

टाइल्स या तो वन जो यहाँ पर उन्होंने कहा है टाइल्स ही कहा है ठीक है सो वन टाइल्स एरिया एक टाइल की एरिया जो टोटल एरिया है उसे हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पर पता चल जाएगी करेक्ट yes, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं देखिए स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा सो फर्स्ट वी राइट डाउन लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल यहाँ पर पहले इसे नाम देते हैं हम यहाँ पर नाम क्या देंगे यहाँ पर सो वी हैव गिवन दस नेम ए देन यहां पर बी देन यहां पर सी देन डी हम यहां पर देते हैं ओके okay? और इन साइड को यहां पर हम कुछ नाम देते हैं पी के वारे ओके सो पी ये क्यू ये आर और ये अगर okay? आप यहां पर नेम भी नहीं देंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप यहां पर डायरेक्टली गार्डन भी कह सकते हैं ओके okay? सो so डायरेक्टली हम यहाँ पर गार्डन कहते हैं यहां पर नेम के जगह पर ओके okay? सो so देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ गार्डन एरिया ऑफ गार्डन मल्टीप्लाई बाय थर्टी बिकॉज इट्स मीटर एंड मल्टीप्लाई बाई पर हो जाएगा बी के जगह पर डब्ल्यूगाई बाई डब्ल्यू फोर्टी मल्टीप्लाई बाई थर्टी वी गेट यहां पर हाउ मच इट इज अ ट्वेल्व हंड्रेड मीटर में दिया है सो दीटर यहां पर हो जाएगा इसका आंसर एरिया ऑफ गार्डन मिल गया अभी एरिया नॉट टू बी जो पेव नहीं क्या है थर्टी माइनस टू माइनस टू ये ऊपर वाला टू ये, तो okay? तो ये, ये नीचे वाला टू सो विल गेट ट्वेंटी सिक्स यहाँ पर भी देखिए ये टू और ये टू मतलब फोर फोर्टी माइनस फोर यहाँ पर थर्टी सिक्स हो जाता है सो दैट्स वाई एरिया नॉट टू बी पेव एरिया नॉट टू बी पेव इज इक्वल टू क्या होगा थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी गेट नाइन थर्टी सिक्स स्क्वायर मीटर यहां पर हमें मिल जाएगा अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसका एरिया जो यहां पर पेव का एरिया है उसका हमें फाइंड आउट करना है एरिया सो देर फोर एरिया ऑफ पेव ओके सो एरिया टू बी पेव एरिया टू बी पेव एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया नॉट टू बी पेगा सो दाइनस नाइन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स वी गेट यहाँ पर टू हंड्रेड एंड सिक्स मीटर आ जाता है स्टूडेंट्स यहां पर उन्होंने यूनिट कौन सा यूज किया है सेंटीमीटर का यूज किया है सो वी नीड टू बी कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इंटू मीटर बिकॉज

डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन यहां पर पेवर का हो जाएगा वर्क टाइल का हो जाएगा ठीक है सो देर फोर टोटल एरिया कितना है टू सिक्स डिवाइडेड बाय पर आ जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी तो ये वन अपॉन ट्वेंटी को ऊपर लाएंगे तो हम यहां पर क्या हो जाएगा तो ये यहां पर बन जाता है टू सिक्सटी फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी अपॉन वन ओके तो ये ऊपर जाके ट्वेंटी अपॉन वन हो जाती है इसका इनवर्स हो जाएगा ठीक है

कितने लगेंगे यहाँ पर फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी वन अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अगुलर प्ले ग्राउंड इज सिक्सटी फाइव मीटर लॉन्ग यहाँ पर एक रेक्टैंगुलर प्ले ग्राउंड है प्ले ग्राउंड उसका जो Uh, साइड है एंड इट इज अ थर्टी मीटर वाइड अ पाथवे ऑफ वन पॉइंट फाइव मीटर द ग्राउंड आउटसाइड इट फाइंड द एरिया ऑफ द पाथवे हमें क्या करना है जो पाथवे है इसका एरिया फाइंड आउट करना है मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसका एरिया फाइंड आउट कैसे फाइंड आउट करेंगे सो फर्स्ट विंडो में फाइंड आउट द एरिया ऑफ पी क्यू ए आर एस देन वी सब फ्रॉम दैट ए बी सी डी का एरिया हम उससे subtract करेंगे ठीक है सो फर्स्ट वी फाइंड आउट लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल पर जो दिख रहा है आपको पी क्यू आर आउट करना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने ए बी थर्टी दिया है बीसी यहां पर वन पॉइंट ये जो पाथ है इसका वन पॉइंट फाइव मीटर दिया है और इसे सिक्सटी फाइव मीटर दिया है सो देयर फॉर ऑफ पी क्यू आर एस लेंथ ऑफ PQRS पी क्यू आर एस इज टू क्या होगा सिक्सटी फाइव प्लस देखिये ऊपर का 1.5 पॉइंट फाइव एंड नीचे काफ्टर दैट विफ पी क्यू आर एस इजिकल टू क्या होगा थर्टी प्लस इस साइड का वन पॉइंट फाइव एंड इस साइड का वन पॉइंट फाइव सो वन पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट फाइव वी गेट थर्टी थ्री मीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्टी थ्री मीटर आ जाएगा सो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा सो वी वीन बी फर्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस देन वी सब ट्रैक्ट द फ्रॉम दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी सो एरिया ऑफ कॉटलेट्रल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर रेक्टेंगल या तो का है पी क्यू आर एस इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर देन so यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं थ्री क्या हो जाता है यहाँ पर सो वी गेट टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी फोर टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी फोर स्क्वायर मीटर में आ जाएगा देन आफ्टर दैट एरिया ऑफ एबीसीडी एरिया

जिकल टू वॉट वी गेट एरिया ऑफ एरिया ऑफ कॉर्डलेट्रल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ क्वारल ए बी सी डी ओके सो देर फोर टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी फोर माइनस वन नाइन फाइव जीरो देखिए ये वैल्यू इससे हम माइनस करेंगे इसको यहां पर देखिए तो वॉट वी गेट द आंसर सो so टू टू डबल फोर माइनस 1950, we get 294 वी गेट Okay, हंड्रेड एंड ओके तो यहाँ पर स्क्वायर मीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 294. तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया सो एरिया ऑफ द पाथवे इज 294 हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर मीटर आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा ये देखते अभी नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल है या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जस्ट हमें यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिया है उसे फिल करना है एग्जाम्पल है देंथ एंड दोबाइल फोन आर थर्टीन सेंटीमीटर एंड सेवन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इट हैज अब पी क्यू आर एस एज शोन इन द फिगर वॉट इज द एरिया ऑफ द स्क्रीन हमें ये जो एरिया ऑफ द स्क्रीन है फाइंड आउट करना है सो एबीसीड इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द एजेस ऑफ द मोबाइल पी क्यू आर एस इज द रेक्टेंगल फॉर्म बाय ंग वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वाइड एज अलोंग साइड ए बी बी सी डीसी एंड टू सेंटीमीटर एज अलोंग साइड डी ए लेंथ ऑफ रेक्टाइंगल पी क्यू आर एस कहा पर है पी क्यू आर एस ये पी क्यू आर एस यहां पर दिख रहा है ठीक है तो इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी देखिए, ये क्या है 1.5 है यहां पर भी 1.5 है बट यहां पर क्या है 2 सेंटीमीटर है ध्यान में रखना है सो पी एस गर हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं मतलब लेंथ ऑफ पी क्यू आर एस सो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर में से माइनस करना पड़ेगा सो so, 13 माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस टू सेंटीमीटर सो वी कैन गेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सो 13 माइनस टू हो जाता है क्या 13 माइनस टू यहाँ पर 11, 11 माइनस वन टेन टेन माइनस पॉइंट फाइव नाइन पॉइंट फाइव यहाँ पर आ जाएगी लेंथ ऑफ द पी क्यू आर एस PQRS क्या हो जाएगी ब्रिट यहां पर देखिए है है पर भी तो माइनस सेवन माइनस वन पॉइंट क्या हो ये माइनस थ्री हो जाएगा सेवन माइनस थ्री हो जाता है फोर सो वी गेट फोर सेंटीमीटर ओके तो यहाँ पर हमें क्या मिला ब्रिट यहाँ पर फोर सेंटीमीटर की यहां पर मिल गई सो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस

तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स देखिए हमने पर एरिया कैसे फाइंड आउट किया जस्ट आपको ध्यान में रखना है जो भी आपको यहाँ पर पहले इसकी आउट की वो कैसे की टू सेंटीमीटर नीचे दिया था यहाँ पर वन पॉइंट फाइव यहाँ पर ऊपर का भी वन पॉइंट फाइव हेल्प ऑफ दैट वी फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रिट देन आफ्टर दैट एरिया ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेटेंगल इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर वी गेट थर्टी मीटर खत्म हुआ पर आ जाए ठीक है so, सो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए करेक्शन कर लीजिए ये स्क्वायर मीटर नहीं है ये क्या है स्क्वायर सेंटीमीटर बिकॉज यूनिट क्या है सेंटीमीटर में है सो दैट्स वाई इट इज इन द स्क्र सेंटीमीटर ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए

कंसेप्ट लर्न किया उसके फॉर्मूला जस्ट रियलाइज किए ओके देन रिकॉल किए देन आफ्टर दैट हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए ठीक है सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी तो आज के लिए हम यहाँ पर ही रुक रहे तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू